स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटा, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा, जिसका नेम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग समझो बेटा। शॉर्ट रन का मीनिंग है बहुत कम टाइम, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस, आउटपुट यानी कि जो चीजों की हम सप्लाई करते हैं और जो चीजों के लोग डिमांड करते हैं उस चीज में क्या बनाना, बैलेंस बनाना, यानी कि बहुत कम टाइम में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाना ही इस चैप्टर के नेम का मीनिंग है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट रन का मीनिंग क्या है। शॉर्ट रन का मीनिंग है कि आपके पास इतना कम टाइम है कि आप टेक्नोलॉजी को चेंज किए बिना जो कस्टमर आपके पास आया है उसके डिमांड को पूरा करोगे। मान लो किसी पर्सन की एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में मान लो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा है। कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो यूज कर रहा है और 100 टॉयज उसने डेली बनाने ही बनाने हैं। ये तो उनकी एवरेज है, ठीक है, टॉयज बनाने की भी 100 तो वो बनाते ही बनाते हैं। मान लो किसी कस्टमर का उनको ऑर्डर मिल गया कि हमें 1000 टॉयज चाहिए, 3 डेज के अंदर अंदर चाहिए, तो क्या वो पर्सन इतने कम टाइम में अपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को कैपिटल इंटेंसिव में चेंज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है और वो इतना खर्चा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्यों लगाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने डिस्कस कर ली है इस पूरे प्रॉब्लम में। अब देखो शॉर्ट रन में क्या है। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, ये देखो लिखा हुआ कि टेक्नोलॉजी कोई रोल नहीं प्ले कर सकती डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का करने के लिए आउटपुट को, यानी कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी रोल प्ले नहीं कर सकती। इन द इकोनॉमी इट इज रिमेन टू कॉन्स्टेंट, और टेक्नोलॉजी हमें सेम रखनी पड़ेगी। क्यों सेम रखनी पड़ेगी, मैंने आपको बता तो दिया कि इतना कम टाइम है कि हम टेक्नोलॉजी चेंज कर ही नहीं पाए। ठीक है, आगे बेटा कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम, मैंने शॉर्ट रन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब चैप्टर पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, शॉर्ट रन एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन मैंने आपको समझा दिया, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये रहा। ठीक है, अगर देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट इकोनॉमी में उस लेवल को दिखाता है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाती है। एग्रीगेट सप्लाई भी मैंने आपको समझाया है प्रीवियस चैप्टर में भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी मैंने आपको समझाया है। तो क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और आगे देखो एग्रीगेट सप्लाई जो है रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इच इज, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई वो वाला लेवल है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर अपनी चीजों को प्रोड्यूस करके खुश हो जाता है। मतलब उसने जितना बनाया वो सारे का सारा मार्केट में उतार दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा, यानी कि जितना उसने पैसा लगाया उससे पूरे का पूरा उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू डिजायर्ड, डिजायर्ड वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको वो लेवल मिला, आउटपुट का लेवल मिला जो वो चाहता था इकोनॉमी में। और अगर देखो इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और देखो जितना वो एक साल में प्रोड्यूस करना चाहता है उतना ही उसने प्रोड्यूस किया भी, उतना बिका भी, और उसके पास कुछ बचा भी नहीं, उसको प्रॉफिट भी हुआ। तो अगर देखो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है हमें जो चीज चाहिए हमें वो मार्केट में मिल रही है और सही सही दाम पे मिल रही है और जो है हमारी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है। तीन चीजें हमारी हो गई कंज्यूमर की और चार चीजें हो गई सप्लायर की। तो एग्रीगेट डिमांड ऑन द अदर हैंड्स रेफर टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर बाय टू विश, देखो जहां पे बायर एक खरीदना चाहता है टू बाय ड्यूरिंग यानी अकाउंटिंग ईयर, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट ये है, वहां पे वो बेचना चाहेगा, यहाँ पे खरीदना चाहेगा,
वहां पे कुछ बचाना नहीं चाहेगा, यहाँ पे वो दाम सही चाहेंगे तो वो चीज को खरीदेंगे तो बचेगा बिल्कुल भी नहीं। और उतनी ही चीज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है जितनी लोगों की डिमांड है, ना तो डिमांड एक्स्ट्रा है ना ही सप्लाई एक्स्ट्रा है, दोनों में से एक भी चीज ज्यादा नहीं है। तो आगे देखो यही बोला गया है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बोल के दिखाया, द इक्विलिब्रियम मीन्स दैट लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द सोर्सेज विश टू प्रोड्यूस, यानी कि जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जो लोग खरीदना चाहते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू, वो दोनों चीजें इक्वल हैं, व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक साल के दौरान जितना प्रोड्यूस हुआ और जितना सप्लायर ने सप्लाई किया और जितनी लोगों ने डिमांड की, दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं। देर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन, ना तो कुछ बचेगा, एंड देर इज नो शॉर्टेज और ना ही किसी चीज की कमी होगी, लोगों ने जितना मांगा प्रोड्यूसर्स ने उतना भेजा और प्रोड्यूसर्स के पास जितना था उतना ही लोगों ने मांगा, यानी कि दोनों रिवर्स कंडीशंस हो गई एक दूसरे के इक्वल। और आपने ये याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के इक्वल होती है और ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही कंसेप्ट काफी है, बाकी नेक्स्ट में ओके, थैंक यू।